नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन आज बात करेंगे रिफाक्सिमिन टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों, ये जो रिफाक्सिमिन टेबलेट्स होती है ये लगभग 365 रुपीज़ तक 10 टेबलेट्स मिलती है और ये एक प्रकार से अपने शरीर में एंटीबायोटिक की तरह काम करती है। एंटीबायोटिक मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है तो उनको किल करने का काम करती है। चलिए जानते हैं किस प्रकार ये अपने शरीर में और मतलब किस कंडीशंस में प्रिस्क्राइब की जाती है, किस तरह ये शरीर में काम करती है और कौन कौन से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको नहीं देनी चाहिए, क्या इनके कुछ दुष्प्रभाव आ सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में अपन बात करेंगे। दोस्तों, ये जो रिफाक्सिमिन टेबलेट्स होती है ये एक एंटीबायोटिक टेबलेट्स होती है। मतलब अगर कोई पेशेंट होता है जो जिसके हिपेटिक फेलियर मतलब लीवर फेलियर का पेशेंट होता है या फिर लीवर सिरोसिस का पेशेंट होता है, मतलब ज़्यादातर ये जो लीवर सिरोसिस या लीवर फेलियर वाली कंडीशंस उन क्लाइंट्स में ज़्यादा देखी जाती है जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं। जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं तो उनका जो लीवर होता है वो फेल हो जाता है, मतलब लीवर काम करना बंद कर देता है। और लीवर तो अपने शरीर का सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है जो कि मतलब मेटाबॉलिज्म वगैरह करता है, एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, काफ़ी सारे विटामिन्स मिनरल्स ये सिंथेसिस करता है, प्रोटीन्स सिंथेसिस करता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं अपने शरीर में उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है और जब यही फेल हो जाएगा तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह है वो भी शरीर के अंदर ही रहेंगे। कुछ खाए पिएंगे तो वो भी अंदर ही रहेगा लेकिन लगेगा नहीं। कब्जी भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है और या फिर जैसे शरीर में पूरे शरीर में पानी भर जाएगा, एडिमा हो जाएगा, मतलब पिटिंग एडिमा जिसको बोलते हैं, पानी भर जाना जहाँ पे जैसे ऐसे दबाएंगे कहीं पे भी, मेनली तो आइज पे या फिर डिपेंडेंट एरिया जैसे फुट होते हैं तो वहाँ पे दबाएंगे तो वहाँ गड्ढा पड़ जाएगा तो उसको पिटिंग एडिमा बोलते हैं। तो वो हो सकता है, पेट में पानी भर सकता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकलेंगे नहीं। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो इस पॉइंट पे कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। तो उस कंडीशन में जो वेस्ट प्रोडक्ट अंदर पड़े रहेंगे तो उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो बैक्टीरिया वगैरह है वो ग्रोथ करने लग जाएंगे। और जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया जैसे वेस्ट प्रोडक्ट मेनली अमोनिया का लेवल इंक्रीज करने लग जाएगा अपने ब्लड में। तो जब भी ये बैक्टीरिया अमोनिया का लेवल इंक्रीज करेगा ब्लड में तो वो अमोनिया जो होती है अपने नॉर्मल अमोनिया रहती है शरीर में 10 से 80 mg/dL तक, 80 mg/dL से ऊपर अमोनिया चला जाएगा तो उस कंडीशन में ये सीधा ब्रेन को अफेक्ट करेगा, ब्रेन में स्वेलिंग आ जाएगी और ब्रेन सही से काम नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में उन पेशेंट्स को कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूजन मतलब उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो डिस्टर्ब्ड हो सकती है। पेशेंट को कुछ भी बोलेंगे आपका नाम क्या है वो सोचने लग जाएंगे। तो इस कंडीशन को कंफ्यूजन बोलते हैं। जैसे उनको बोलेंगे कि आपकी फैमिली मेंबर्स में कितने लोग हैं वो सोचने लग जाएंगे, बताएंगे नहीं जल्दी से, तो उस कंडीशन को बोलते हैं कंफ्यूजन। इसके अलावा ट्रिमर्स मतलब सीजर्स, मिर्गी के दौरे भी आ सकते हैं, जो हाथ पैर है वो ऐसे ट्रिमर्स जिसको एस्टेरेक्सिस बोलते हैं ऐसे हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। तो जब अमोनिया अपने माइंड को जो ब्रेन होता है उसको इफेक्ट कर दे तो उस कंडीशन को बोलते हैं हिपेटिक एनसीफेलोपैथी। तो ये रिफाक्सिमिन टेबलेट क्या करती है, ये इसकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है तो वो सीधा जाके उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को किल कर देती है, बैक्टीरियाज को किल कर देती है जो कि अपने ब्लड में अमोनिया का लेवल इंक्रीज कर रहे हैं। तो उन बैक्टीरिया को किल कर देगी तो वो बैक्टीरिया धीरे धीरे मर जाएंगे, कम हो जाएंगे और अमोनिया का लेवल डिक्रीज हो जाएगा और जो सेरिब्रल एडिमा मतलब दिमाग में सूजन आ रही या फिर पानी वगैरह भर रहा था, कंफ्यूजन हो रहे थे, ट्रीमर्स सीजर्स आ रहे थे, ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो आराम से ठीक होने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से रिफाक्सिमिन टेबलेट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को किल करके और जो हिपेटिक एनसीफेलोपैथी वाले पेशेंट्स होते हैं तो उनके सिम्टम्स ठीक करने के लिए काम में ली जाती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर किसी के लीवर सिरोसिस नहीं है, लीवर फेलियर नहीं है तो भी उनको डॉक्टर के द्वारा दी जाती है रिफाक्सिमिन टेबलेट्स। तो उसका कारण ये होता है कि ये जो रिफाक्सिमिन टेबलेट होती है ये कुछ पेशेंट्स में ऐसे देखा जाता है कि अचानक से उनके डायरिया हो गया और बहुत ज़्यादा डायरिया हो गया, मतलब अचानक से दस्त लग गए, बहुत ज़्यादा दस्त लग गए। तो हो सकता है उनके जो इंटेस्टाइन होती है, आंत होती है, उसमें कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर रहा हो जिसकी वजह से डायरिया हो रहा है। तो उस कंडीशन में ये रिफाक्सिमिन टेबलेट उन बैक्टीरियाज को भी किल कर देता है जो कि इंटेस्टाइन में
इन्फेक्शन वगैरह कर रहा है, तो जो इन्फेक्शियस डायरिया होता है, जो इन्फेक्शन की वजह से डायरिया हो रहा है, तो उस डायरिया को ठीक करने के लिए, उस दस्त को ठीक करने के लिए भी ये रिफाग्जिमिन टेबलेट काम में ली जाती है। दोस्तों डोज वगैरह जो होती है वो पेशेंट पर डिपेंड करती है, उसकी डिजीज कंडीशन कितनी एडवांस्ड हो रही है, और डॉक्टर के द्वारा डिसाइड की जाती है सभी पेशेंट के लिए अलग अलग डोज। दोस्तों इसके कुछ दुष्प्रभाव की अगर अपन बात करें, तो इसके दुष्प्रभाव अगर कोई पेशेंट ज़्यादा टेबलेट्स ले ले या फिर उनके मतलब ज़्यादा डोज ले ले, तो उनमें कुछ साइड इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं, जैसे जी मचलाना, उल्टी आना, जॉइंट्स होते हैं अपने जॉइंट्स में पेन होना, या फिर जो पेरिफेरल एरिया होता है जैसे हाथ पैर हो गए वहाँ पे सूजन आ जाना, पेट में पानी बढ़ जाना, एसआईटिस जिसको बोलते हैं, तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स दुष्प्रभाव इसके देखे जा सकते हैं। दोस्तों अगर अपन बात करें कौन कौन से पेशेंट्स को नहीं देनी चाहिए ये दवा, तो दोस्तों अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या फिर लैक्टेटिंग मदर है, जो बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में होती है, उनको लैक्टेटिंग मदर बोलते हैं, तो उनको ये दवा बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में लेनी चाहिए डॉक्टर के द्वारा देने जाने के बाद भी। और अगर दोस्तों ये जो टेबलेट होती है ये हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, अपने आप से कभी भी काम में ना लें। वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।